नमस्कार बच्चों, न भारती परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई चल रहा था, इसमें मैंने लास्ट आपको माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थे वो कंप्लीट कराए थे। तो आज जो है मैं उसके स्ट्रक्चर को बताऊँगी कि माइकोप्लाज्मा स्ट्रक्चरली कैसा दिखता है, साथ ही साथ उसका रिप्रोडक्शन और उसके द्वारा कॉज की हुई डिसीज़ भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर है एक माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा एक कैसा ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। ये एक यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट टाइप का है, ठीक है। इसी के बाद हम देखें, मैं ये बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अगर इसकी माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो मैंने आपके इसको जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो माइकोप्लाज्मा होता है ये ट्रिपल लेयर्ड होता है जो लाइकोप्रोटीन से बना हुआ रहता है। तो यही आप देख सकते हैं इसकी ट्रिपल लेयर कैसे है, ये 1 2 3 थ्री लेयर से बना हुआ रहता है जो कि लिपोप्रोटीन से बनी हुई होती हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड नहीं होती है, यानी कि सेल वॉल रिजिड नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। मैंने बताया था इसके जो राइजोम होते हैं वो पेरीफ्री पे देखने को मिलते हैं, और जो राइबोसोम जो होते हैं वो 72S के होते हैं, साइज में 14 नैनोमीटर डायमीटर में ये होते हैं। अगर आरएनए की इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल की बात करी जाए तो जो आरएनए होता है वो 8 to 9% प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम इसके डीएनए की बात करें तो ये 4% प्रेजेंट होता है। इट मीन्स आरएनए इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है जबकि डीएनए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4% में प्रेजेंट होता है। डीएनए की अगर बात करी जाए तो डीएनए जो है इसके अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर डीएनए के अंदर, अब ये जो डीएनए होता है ये अमीनो एसिड से बनता है, वो अमीनो एसिड जो होती हैं जैसे कि गुआनाइन साइटोसाइन, ये इसके अंदर बैक्टीरिया के कंपैरिजन में कम पाई जाती हैं। गुआनाइन और साइटोसाइन जो है वो कम पाई जाती हैं। गुआनाइन जो है वो जी, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, साइटोसाइन को कैपिटल सी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये लो मात्रा में यानी कि कम मात्रा में जो है ये इसके डीएनए के अमीनो एसिड्स में पाई जाती हैं, गुआनाइन और साइटोसाइन। इसी के बाद अगर देखें तो ये इसका सेल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इसकी ये जो छोटी छोटी सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्म में, ये इसका साइटोप्लाज्म पार्ट है। इसके अंदर इसके सेल ऑर्गेनेल्स और राइबोसोम और डीएनए जेनेटिक मटेरियल सब जो है वो प्रेजेंट है। ये इसका डीएनए है, ये जो आप देख रहे हो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो आप पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है, वो होता है राइबोसोम, क्योंकि 72S का प्रेजेंट इसमें होता है। अगर माइकोप्लाज्मा के रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया था माइकोप्लाज्मा जो है वो बडिंग या बाइनरी फिजन के द्वारा ही इसका रिप्रोडक्शन होता है। इसका डिवाइडेशन बडिंग और बाइनरी फिजन के द्वारा ही होता है। तो मैं देख स्ट्रक्चरली बताऊँगी आपको कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। अगर माइकोप्लाज्मा के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो इसमें किसी भी तरह का एसेक्सुअल या फिर मतलब एसेक्सुअल तो होता है बट वो बाइनरी फिजन और बडिंग के फॉर्म में होता है, ना ही किसी भी तरीके का कोई
सेक्स का यानी कि सेक्स गैमेट का फ्यूजन होता है। इसके अंदर ट्रांसमिशन होता है माइकोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा ट्रांसमिट होकर रिप्रोडक्शन करता है। कैसे करता है, इसमें क्या होता है, जो माइकोप्लाज्मा होता है वो होस्ट सेल में पहले क्या करता है, एंटर करता है, फिर वो होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल में क्या करता है, एंटर करता है, और इस तरीके से वो उसमें इंक्यूबेशन पीरियड का इंतज़ार करता है 40-45 डेज़ तक का, जिससे जिसमें उसका टेम्परेचर जो होता है वो जो है मेंटेन हो जाए, और फिर वो उसके अंदर डिवाइड करना स्टार्ट करता है, यानी एक होस्ट से दूसरे होस्ट में एंटर करके वो अपना रिप्रोडक्शन करता है। कौन, माइकोप्लाज्मा। तो अगर हम ये देखें, ये इसका प्राइमरी बॉडी है, ये इसकी मीडिएटर बॉडी है, यानी कि प्राइमरी बॉडी फर्स्ट होस्ट हुआ इसका, फिर उसके बाद ये इसका सेकंड होस्ट हुआ जो कि मीडिएटर बॉडी है, उसके बाद उसने एक लार्ज बॉडी बनाई, एक लार्ज सेल बनाई, इसमें इसने इंक्यूबेशन पीरियड रखा 14-40 डेज, ठीक है। 14-40 डेज में इंक्यूबेशन पीरियड लिया, जिसमें वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था एक फेवरेबल कंडीशन के लिए, और फिर उसने इसमें डिवाइड होना स्टार्ट किया बाइनरी फ्यूजन और बडिंग के द्वारा, मेनली तो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये डिवाइड करेगा, और फिर ये डिवाइड होके एक प्राइमरी लार्ज सेल के अंदर एक प्राइमरी बॉडी का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, और दोबारा से एक प्राइमरी बॉडी बना लेगा। इस तरीके से आप माइकोप्लाज्मा के अंदर रिप्रोडक्शन को देख सकते हो। ट्रांसमिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा इज़ द वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा इज प्राइमरी बॉडी। फर्स्ट इट इज़ एंटर इन फर्स्ट होस्ट सेल, देन इट इज़ ट्रांसफर इन टू सेकेंड होस्ट सेल, वेयर इट टेक इंक्यूबेशन पीरियड विच इज़ 14-40 डेज, एंड देन कन्वर्ट इट इन टू अ लार्ज सेल, एंड देन इट वेट फॉर द फेवरेबल कंडीशन, देन वेन द फेवरेबल कंडीशन इज कम, then it will divide like binary fission, and then it will transfer into a primary body which is in large cell, and that primary body is after favorable condition convert into dobara primary body. This is the whole process of reproduction of mycoplasma. Then after the reproduction of mycoplasma, I will teach you what is the disease which is caused by the mycoplasma. तो हमने माइकोप्लाज्मा का रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसमें हमने देखा कि होस्ट सेल माइकोप्लाज्मा एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल में एंटर करता है, पर एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल में जिस एजेंट्स के थ्रू करता है वो होते हैं जैसे कि ग्रीन हॉपर, है ना। ग्रीन हॉपर जो होता है वो माइकोप्लाज्मा को एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल में ट्रांसमिट करता है। आगे अगर हम बात करें कि माइकोप्लाज्मा किन डिसीज़ को कॉज करता है, तो सबसे पहले अगर हम प्लांट डिसीजेज में बात करें तो जैसे कि लिटिल लीव डिसीज़ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल के अंदर जो उसकी लीव जो होती है वो छोटी हो जाती है, ये जो डिसीज़ होती है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही होती है। दूसरी होती है बंची टॉप ऑफ पपाया, पपाया के टॉप पर बंची छोटे ग्रेन्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं बंची टॉप ऑफ पपाया, ठीक है। उसके बाद बिग बर्ड ऑफ टोमेटो, टोमेटो की बहुत ज़्यादा बड़ी बर्ड्स बन जाना, ये माइकोप्लाज्मा के थ्रू होता है, बिग बर्ड ऑफ टोमेटो। फोर्थ है येलो ड्वार्फ ऑफ टोबैको, टोबैको का जो प्लांट होता है, टोबैको मतलब जितने भी हमारे धूम्रपान वाले पदार्थ होते हैं या फिर ये जितने भी गुटखा वगैरह होते हैं ये टोबैको से बनते हैं। टोबैको के प्लांट के अंदर येलो ड्वार्फ अगर हो जाता है तो वो होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तीसरा होता है स्ट्रिप डिसीज़ ऑफ शुगर केन, जैसे कि शुगर केन है ये, जैसे ये शुगर केन है, इसके ऊपर इसके उसमें लाल कलर के क्या आ जाती हैं, स्ट्रिप्स आ जाती हैं, उसको बोलते हैं हम स्ट्रिप डिसीज़ ऑफ शुगर केन। दूसरा होता है क्लोवर ड्वार्फ, क्लोवर होता है क्लोव यानी कि जो हमारी वो होती है ना लॉन्ग,
लौंग के पेड़ का जब ड्वार्फनेस आ जाती है वो आती है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो ये तो कुछ डिसीज़ हुई हमारे किसके अंदर, प्लांट के अंदर। कुछ डिसीज़ माइकोप्लाज्मा एनिमल्स के अंदर भी करता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर हम एनिमल्स के अंदर डिसीज़ देखें माइकोप्लाज्मा के द्वारा, तो सबसे पहले होती है माइकोप्लाज्मा अगेलेक्टिया, जो कि अगेलेक्टिया ऑफ गॉट एंड शीप के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा होता है माइकोप्लाज्मा माइकोलेट्स, जो कि प्लूरोनिमोनिया कॉज करती है कैटल के अंदर, जो सबसे पहले देखने को मिली थी पास्चर ने, या प्लूरोनिमोनिया कैटल के अंदर ही देखी थी। थर्ड है हमारा माइकोप्लाज्मा बोवी जेनिटेलियम, जो कि इन्फ्लमेशन कॉज करती है जेनाइटल्स के अंदर, जो कि डिफरेंट एनिमल्स के जेनाइटल्स के अंदर इन्फ्लमेशन जो कॉज करती है वो करती है बोवी जेनिटेलियम, माइकोप्लाज्मा बोवी जेनिटेलियम कॉज करती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल्स के अंदर किस तरीके से डिसीज़ जो है वो कॉज करती है। इसी के साथ हमारा जो माइकोप्लाज्मा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।